इनहेरिटेंस टैक्स को लेके पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों इस टैक्स को इंडिया से अबॉलिश किया गया था और क्या वापस से इसे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड। रिसेंटली इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने ANI के साथ एक इंटरव्यू में बात की इनहेरिटेंस टैक्स की। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस का एम वेल्थ की रिडिस्ट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने बताया कि ये वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक तरीका है इनइक्वालिटी कम करने का, ताकि कुछ लोग इतने रिच ना हो जाएं कि वो सरकार चलाने लगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका के अंदर किस तरह से इनहेरिटेंस टैक्स काम करता है। We have to make sure that's the requirement in democracy, everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. इसी के साथ उन्होंने बताया कि ये एक पॉलिसी मैटर है कि कांग्रेस ऐसे एक्ट्स या पॉलिसीज लेके आएगी जिससे इनइक्वालिटीज कम हो देश में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे आपकी प्रॉपर्टी या सारी वेल्थ छीन ली जाएगी। अब इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब क्या है? जब किसी इंसान की डेथ होती है तो उसके डेथ के टाइम पे उसके पास जितनी भी संपत्ति है, बीट मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड, FDs, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग इंक्लूडेड, जितनी भी उसके पास में वेल्थ है, उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दिया जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा उसके बच्चों को या उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जो अमाउंट हम गवर्नमेंट को पे करते हैं उसे बोला जाता है इनहेरिटेंस टैक्स। इंडिया के अंदर 1953 में इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब इसे बोला जाता था स्टेट टैक्स। जब देश आजाद हुआ था तब इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इनइक्वालिटीज थी। एक तरफ थे एक्सट्रीमली रिच लोग जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, तो वहीं दूसरी साइड थे एक्सट्रीमली पुअर लोग जिनके पास शायद खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इन्हीं दोनों के बीच के गैप को ब्रिज करने के लिए और कम करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई इनहेरिटेंस टैक्स। इंडिया के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स रेट काफी ज्यादा था कि अगर किसी के पास में 20 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो उसके डेथ पे 85% गवर्नमेंट को जाता था और 15% उसके बच्चे या उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन ये इंडिया के अंदर इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज ने इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इसी के साथ गवर्नमेंट को इससे जितनी इनकम होती थी उससे ज्यादा पैसा लग जाता था इसकी कलेक्शन में। इन्हीं सारे रीजंस के कारण 1985 में फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने इसे एबॉलिश कर दिया। लेकिन पिछले 15 साल में काफी बार बात हुई है कि इस टैक्स को वापस से लाया जाना चाहिए। 2011 में होम मिनिस्टर पी चिदंबरम ने प्लानिंग कमीशन की मीटिंग के अंदर ये बात की कि इस टैक्स को रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि लोग डीइंसेंटिवाइज हो जाएंगे हार्डवर्क करने के लिए। अगर उनके माइंड में थॉट होगा कि एट द एंड हमारे डेथ पे हमारी प्रॉपर्टी हमारे बच्चों को ना जाके गवर्नमेंट के पास जाएगी, तो लोग शायद उतना सक्सेस के लिए हार्डवर्क के लिए स्ट्राइव ही नहीं करेंगे। दूसरा, अगर लोग पैसे के एंथुसियाज्म या पैशन से काम ही नहीं करेंगे तो इससे इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है। तो क्या इंडिया इकलौती कंट्री है जहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स होता था? द आंसर इज नो। इवन एट प्रेजेंट वर्ल्ड की काफी कंट्रीज में इसे इम्पोज किया जाता है। सबसे ज्यादा इनहेरिटेंस टैक्स रेट है जापान में, जहाँ पे 55% प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास जाती है। ये रेट है 50% साउथ कोरिया में, US और UK में ये टैक्स रेट है 40%। इस इंटरव्यू के बाद में रूलिंग गवर्नमेंट ने काफी सारे एलिगेशंस लगाए कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर कि वो लोगों की वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि सैम पित्रोदा के कमेंट्स उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट नहीं करती। सेकेंडली, ना ही उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहीं भी बात की है वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की। तो अब आप बताओ, क्या इंडिया के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स को लगाया जाना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की फॉलोइंग।